इमरान खान का कजन होने पे फखर है, हाँ या ना? नहीं, नहीं। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा इमरान खान की सुनता है। नहीं, इमरान खान के लिए उसकी पॉलिटिकल लीनिंग इमरान खान की तरफ, पॉलिटिकल लीनिंग उनकी तरफ। मेरा ख्याल है कि मैं अगर कुछ फैसला करूं, हाँ, तो वैसे तो नौजवानों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, यू नेवर नो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी जो है ना बात, हाँ या ना, मैं उसको, हाँ या ना, हाँ मैं ना, हाँ या ना, ठीक है। नून लीग वाहिद सियासी जमात है जो वोट को इज्जत देती है? नहीं 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 देती, मतलब नून लीग। ओके, नवाज शरीफ इंतहाई नजरियाती सियासतदान है? नजरियाती तो कोई भी नहीं है, नजरियाती हमारे यहाँ इसका मतलब ही किसी को नहीं पता। ओके, इमरान खान की वाहिद अच्छी बात यह है कि वो झूठ नहीं बोलते। आपने जो झूठ बोला है इसमें अल्लाह आपको माफ करे। मैं तो सवाल किया यार। चलो आप हायर में जवाब दे। वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। इशाद भट्टी के तजियों को बिल्कुल संजीदा नहीं लेता? जाहिर है, आप दुल्ला भट्टी का थिएटर जो है उसके पास संजीदा ले सकते हैं। तो आपका फेवरेट तजियाकार कौन है रिपोर्ट कार्ड में? मेरा ख्याल है कि ऑल टाइम ग्रेट से मैं दो बंदों को बड़ा हाई रेट करता हूं, एक रीम उमर और एक तल्लत हुसैन। तल्लत हुसैन, ये मेरे बड़े फेवरेट्स हैं। राइट, मैं बचपन में इमरान खान से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता था? नहीं, सवाल ही पर नहीं। ओके, अगर आसिफ जरदारी और इमरान खान में से किसी एक को चुनना हो तो मैं इमरान खान को चुनूंगा? दोनों को नहीं चुनूंगा। दोनों को नहीं चुनेंगे, कोई एक, बस दो ही रह गए, अब एक चुनना है? नहीं, मैं, मेरे रीजन है, मतलब जब नहीं चुनना, मेरे पास चॉइस है ना आपके पास। शहबाज शरीफ की हुकूमत से तो इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी? दोनों बदतरीन हुकूमतें साबित होंगे, शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों बदतरीन हुकूमतें साबित होंगे। वो कंटिन्यूटी उसका वही क्राइसिस यहां भी आगे कंटिन्यू। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से ज्यादा समझदार सियासतदान है? नहीं, मरियम नवाज बहुत, मरियम नवाज ज्यादा है। ओके, मैं अदाकारा रीमा का बहुत बड़ा फैन। Who is रीमा? रीमा खान अदाकारा। मैंने उसको देखा नहीं, अभी नहीं देखा। आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? बड़ा मुश्किल है, वैसे मुझे तीन चार नाम ले, इंडिया की हेमा मालिनी अच्छी लगती थी। हेमा मालिनी, ओके। उस जमाने में मुझे शेख रशीद साहब का एक जुमला है, जब आप इक्तदार में होते हैं तो आंखें हेमा मालिनी जैसी लगती हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस ने अपनी भी फिल्मों में काम अच्छा किया है। सही, आज 70s और 80s की फिल्में और थी वो। आज पहली दफा मुझे हेमा मालिनी बुरी लगी। पहले फिल्में देखता था, अब देखने का दिल नहीं करता। मतलब जाहिर है कि आपके पास टाइम जो होता है उसकी प्रायोरिटी देखनी है। हाँ, एक वक्त होता है कि आपके पास टाइम बहुत होता है। सही, एक वक्त होता है कि आप हर चीज देखते हो कि आई इसको फायदा या नुकसान है। मैं दिल से बहुत रोमांटिक हूँ। यस है, अच्छा, अच्छी बात है। अल्लाह लगता नहीं है, सख्त मिजाज लगते हैं आप वैसे। अल्लाह माफ करे या अल्लाह। उनको 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 नहीं, ये अगला सवाल पूछे कि उनका नहीं हॉट रोमांटिक होना। ये अगला सवाल पूछे, ये रोमांस समझते किसे? क्या मतलब किसे समझते? मतलब जिससे प्यार करते हो उसी को मार देते हो। चले, घर में अपनी बीवी से ज्यादा अच्छा खाना बना लेता हूँ? तकरीबन तकरीबन कुछ खाने शायद वो भी। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त।